हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा, इससे जो पहले वाला चैप्टर था, सेकंड सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी जो आर एच विटेकर ने 1969 में दी थी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल और प्लांटी के बारे में था। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम डील करने वाले हैं प्लांटी के बारे में, मीन्स प्लांट किंगडम के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्ट्रेस दिया जाए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लांट किंगडम में काफ़ी चेंजेज आए हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि फंगी और मोनेरा, प्रोटिस्टा ये पहले ही प्लांट में ही रखे जाते थे, बाद में इनको एक्सक्लूड, अलग किया गया क्लासिफिकेशन से। साइनोबैक्टीरिया, इनको हम रेफर करते हैं बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि हमें पता है सेकेंड चैप्टर में हमने करा था। और जो ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? बस नाम इनका रखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम पांच इसकी क्लास करेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर ध्यान दें, एंजियोस्पर्म जो है वो हमारा सबसे मेन पार्ट है प्लांट किंगडम का, फिर भी हम इस क्लासिफिकेशन में हम पांचों ही के बारे में बात करेंगे। मेनली क्या ये कहता है कि नॉट ओनली, मतलब ओनली ग्रो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या होता है बेटा? हैबिट्स, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, ये ऑल आर मॉर्फोलॉजिकल, जो हमें बाहरी तरह से दिखाई देते हैं, बाहरी तौर से। इनके अलावा ये बोला गया कि प्लांट के हम वेजिटेटिव करेक्टर भी बात करेंगे। वेजिटेटिव करेक्टर जो आपने 10th में पढ़े थे, जिनमें प्लांट जो प्लांट के फ्लोरल करेक्टर, प्लांट कैसे पैदा होता है, ए सेक्सुअल करेक्टर, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये सारे वेजिटेटिव करेक्टर में काउंट होते हैं। या फिर जो सेक्सुअल करेक्टर में जैसे आता है एंड्रोशियम आता है, ये सिस्टम गिवन बाय लीनियस, लीनियस ने दिया था, अगर आप मेल मेल और वेजिटेटिव करेक्टर को बेस मान कर क्लासीफाई करते हो प्लांट की। इस सिस्टम को नाम दिया था आर्टिफिशियल, और इनको दे आर सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे आर बेस ऑन फ्यू करेक्टर। ये कुछ एक स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड हुआ करती थी, बिल्कुल मिलती जुलती, उनको अलग करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ करता था वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, लाइक एसेक्सुअल करेक्टर या सेक्सुअल करेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को, पर आगे ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर इजली इफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर जो है वो आगे मतलब इन्वायरमेंट के द्वारा ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इसलिए इस पार्ट को निकाल दिया गया। और ये जो पार्ट था अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। और ये अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें नेचुरल एफिनिटी, मतलब एफिनिटी क्या, मतलब बॉन्डिंग रिलेशन क्या है ऑर्गेनिज्म का प्लांट के साथ, हमने ये भी नोट करना है। और साथ में कुछ एक्सट्रीम फीचर, एक्सटर्नल फीचर भी ऐड किए गए। ये तो एक्सटर्नल फीचर तो ऑलरेडी लास्ट क्लासिफिकेशन में ही थे, बट एक्सटर्नल के साथ साथ कुछ इंटरनल फीचर भी ऐड किए गए। जैसे यहाँ पर हमारे पास है अल्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा मतलब बहुत ही थिन या बहुत ही फाइन, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही पॉसिबल होता है। फिर एनाटोमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी हो, एम्ब्रियो, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल सन, जो जो केमिकल सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, में कौन कौन से केमिकल्स हैं वो हम बात करेंगे प्लांट की क्लासिफिकेशन में। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएमटी में आ सकता है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जॉर्ज बेंथम एंड हुकर के द्वारा क्लासिफिकेशन की गई थी। पर ये सिलेबस में नहीं, आप इसको नेट से सर्च कर सकते हो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था। फिर कहता कि आज के टाइम पर जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक वर्ड आपको क्या बताता है? मेनली इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के बेस पर बताएगा, जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं प्लांट के अंदर, जो हुए हैं पूरा लास्ट टाइम से अब तक, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल सकेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो हमें प्लांट में मिलती रहती है, जैसे अंसेस्टर कैसे थे उनके, और इनके जो अब प्रजातियां चल रही हैं वो कैसी हैं, वो इवोल्यूशनरी रिलेशन से ही बताया जा सकता है। अब टैक्सोनॉमी, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, वैसे टैक्सोनॉमी
टैक्सोनॉमी को हम तीन भागों में कैटेगराइज करेंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम यहाँ पर आसानी से प्लांट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर, और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर थे वो फीड करके रखेंगे कंप्यूटर में और नंबर दिए जाएंगे, नंबर और कोड गिवन होंगे हर एक करेक्टर के लिए ताकि डेटा को आसानी से प्रोसेस किया जा सके। और इसके बाद आता है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब होता है सेल की इन्फॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल मतलब सेल के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें बताएगी ये टैक्सोनॉमी। उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर कितने हैं, बिहेवियर कैसा है। उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी हमें क्या बताता है बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कौन कौन से हैं प्लांट सेल में। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ बीटर केमिकल्स हैं, कुछ खट्टे केमिकल्स हैं, हर एक केमिकल्स उनकी स्टडी करना, नोट करना, डेट इज़ अ कीमो टैक्सोनॉमी के अंडर काउंट होगा। यहाँ पर प्लांट को हमने फाइव कैटेगरी में बांटा है, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। पहला लेते हैं बेटा हम एल्गी के बारे में। जैसे कि हम एल्गी के बारे में हम बात करें, एल्गी की तीन वैरायटी होती है बेटा। पहले हम ये शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं एल्गी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें एल्गी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। एल्गी को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, या तीन टाइप की एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पहले आपको ये टेबल अच्छी तरह याद करनी है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइशिया, फियो एंड रोडो बोला जाता है। इनके अंदर मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी। ब्राउन में है ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन नाम का। बेटा ए और बी इनके आप केमिकल फॉर्मूले हैं इनके, इनको ज़रूर फाइंड आउट करें और मुझे ज़रूर सेंड करना उनके फॉर्मूले, और ये भी बताना है कि इनके सेंटर में कौन सी मेटल पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। अब ए सी ए बी ए डी, आप देखो कैसे याद रखोगे, ग्रीन में है बी और ब्राउन में है सी, मतलब ए तो कॉमन हो गया। अब बी सी बी सी, रेड में डी डी, जैसे हो गया डी, यहाँ पर क्लोरोफिल डी आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ए इधर कॉमन। उसके बाद आता है फाइकोएराइथ्रिन, ठीक है, ये केमिकल है, इसकी वजह से रेड एल्गी बनती है। फ्यूकोजैंथिन, इसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। ग्रीन कलर ए और बी की वजह से आ जाता है। इनके अंदर जो स्टोर फूड होता है डेट इज़ स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, मैनीटोल, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी का ही स्टोर फूड है, और फ्लोरिडीन स्टार्च ये रेड एल्गी का है, याद होना चाहिए आपको। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज प्लस एल्जिन की, ये सेलुलोज पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की ही बनी होती है रेड एल्गी की सेल वॉल। अगर मैं फ्लेजेला की बात करूँ, यहाँ पर दो से लेकर आठ तक फ्लेजेला, फ्लेजेला मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर फ्लेजेला दो से आठ हो सकते हैं, वो भी एपिकल ऊपर की तरह मैंने बनाए हैं, तो बेटा दो से लेकर आठ तक हो सकते हैं और इक्वल साइज के होंगे। और ये एल्गी फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर एंड सोल्ट वाटर में देखने को मिलती हैं। ब्राउन एल्गी में फ्लेजेला दो होंगे पर दो अनइक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर एक ऊपर है और एक इधर है लेटरल, पर दोनों का साइज बराबर नहीं होगा। रेड एल्गी में फ्लेजेला बेटा अबसेंट होते हैं, इनका फ्रेश वाटर में कुछ एक रेड एल्गी देखने को मिलती है, नहीं तो ब्रैकिश या सोल्ट वाटर में ही देखने को मिलती हैं। तो बेटा इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शंस हैं और आपको रेड एल्गी के बारे में ये जो टेबल दिखा मैंने बनाई है, ये जो टेबल बुक में है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली वीडियो इससे आगे आपको एल्गी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें।